रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनते हैं। इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था, सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता, सत्ता आती है जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन, यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया पर गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ते पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे, भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेरा फेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री जी एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद, जय हिंद। आप क्या करोगे इनको, जवान बच्चों को? अब मैं सभी लीडर से कहूंगा कि वो मंच पे आके एक फोटो, साझा फोटो एक साथ कराएं। ठीक है चाचा, कोई दिक्कत नहीं है, है? लो जी, चलो जी।